सांसद राजवाला चौहान, मुकेश पहाड़ी, डीसी साहब, प्रशासन के सभी अधिकारी, नए साल की सबको बधाई देता हूं मैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने जो ये नए साल में इतनी योजनाओं का शुभारंभ किया है, एक बहुत अच्छा कदम है। आज लगभग पूरे प्रदेश में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत है और मकसद यही है कि हमारा प्रदेश विकसित प्रदेश हो। देश के अंदर हम नंबर वन रहे हैं, आगे भी नंबर वन रहेंगे। और जो चार योजनाएं हमारे जिले की इसमें आज शुरुआत होगी, जिसमें एक पुल का है, हल्के स्कूल का है, और हर 15 दिन में भी दिन में कोई ना कोई नई योजना जिले को मिलती रहती है। आने वाले वक्त में यहाँ में बाईपास भी बन जाएगा, आवागमन सही होगा, मेडिकल कॉलेज भी चालू हो जाएगा, यूनिवर्सिटी का काम भी तेजी से चल रहा है और धीरे धीरे करके जो कनेक्टिविटी है ये सुधर रही है। तो हमारे सड़क बनी है 148 भी, इससे आधा घंटा कम लगने लग गया। और मैं समझता हूं कि किसी भी क्षेत्र का विकास हो, किसी देश का या प्रदेश का विकास हो, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व बहुत ज्यादा होता है। आज से 15-20 साल पहले भिवानी जाया करते, भिवानी से दिल्ली जाते थे तो 3-4 घंटे लग जाते थे। अब धीरे धीरे करके 2 घंटे में आ गई और आगे और रोड की हालत सुधर जाएगी, मेट्रो चलने लग जाएगी तो 15 घंटे में आ जाएगी। तो इससे जो राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के क्षेत्र हैं वो पूरे विकसित होंगे। और यही काम सरकार का है कि अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं दे, अच्छी सड़कें दे, बिजली की सही व्यवस्था करे, शिक्षा के तरफ ध्यान दे। और खासकर जो है एक समाज का कमजोर तबका है उसकी हालात को भी सुधारे। हम नीतियां बना करके ये काम हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि नई योजनाएं, अनूठी योजना लेके आते हैं, परिवार पहचान पत्र से शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने की, उससे जो सारे हरियाणा के गरीब आदमियों के परिवारों की छटनी की, उनको वेरीफाई करवाया सरकारी तंत्र से, प्राइवेट से, पार्टी के लोगों से, और उससे नई एकदम से प्रदेश के अंदर योजना लेके आए कि जो गरीब आदमी है उनका सबसे ज्यादा जोखिम होता है कि एकदम बीमार हो जाए, सरकार अस्पताल में नहीं जाके बजाय प्राइवेट में जाते हैं तो बहुत मोटा बिल आ जाता है, कर्जा चढ़ जाता है, तो 5 लाख तक का इलाज जो है उनका फ्री करवाया। 29 लाख के आसपास परिवार इसमें आ गए, लगभग 1/3 आबादी हरियाणा की इसमें आ गई है। तो बहुत बड़ा कदम है। पहले भी आधे आदमी से लगभग जो मोदी जी के गोल्डन कार्ड थे उसमें कवर होते थे, आधे आदमी 600 करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा वो हरियाणा सरकार अपने उससे करेगी। अब उसी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब क्या किया है कि जो भी नौकरियां ठेकेदार के थ्रू लगती थी उनको कौशल विकास निगम बना दिया, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ गड़बड़े होती थी, किसी का जीपीएफ नहीं कटता था, किसी की कोई समस्या थी, कुछ घोस्ट अप्लाई थे, शिकायतें आती रहती थी, तो सारा इसका एक पोर्टल पर लिया है। उसमें भी ये किया है कि उन्हीं परिवारों को प्राथमिकता दी जाए, जो कमजोर तबका है उनके नंबर ज्यादा है। और धीरे धीरे करके मैं समझता हूं कि आने वाले एक साल में 70-80 हजार आदमी जो है इसकी के माध्यम से लगेंगे। और वो जो परिवार छटनी की है, 1 लाख से नीचे आमदनी के जो परिवार है, अगर उनका घर में एक नौकरी आ जाती है तो आप निश्चित तौर पर 15-20 हजार की नौकरी भी आएगी, तो उसकी आमदनी 2 लाख से ऊपर हो जाएगी। यही मकसद है कि जो हमारा
1,80,000 से नीचे के आमदनी के परिवार है उनकी आमदनी को बढ़ाए। उसी तरह से ये जो पीले कार्ड की मांग थी वो सारे परिवारों के आदेश कर दिया कि इनके पीले कार्ड बन जाए। तो बहुत सारे कार्ड बने हैं लेकिन कुछ कटे भी हैं। अब ये भी है कि पीला कार्ड मान लीजिए एक परिवार आज है 1,80,000 से नीचे की आमदनी है उसका पीला कार्ड है, कल को उसी परिवार का नौकरी लग जाता है 20,000 का, तो उसकी आमदनी साल में 2,40,000 होगी, तो अपने ऑटोमेटिक उसका हक नहीं रहता पीला कार्ड देने का, तो कटेगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां इन चीजों का प्रचार बहुत कर देती है, ये कट गया, ये एक प्रक्रिया है। सरकार को यह नहीं है कि हमने पीले कार्ड वाले बढ़ाने हैं, गरीब आदमी को ज्यादा तादाद बढ़ानी है, जो जो गरीब की जो आर्थिक हालात सुधरेगी तो उन योजनाओं से उभार आएगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये प्रचार कर देती हैं कि भैया हमारे देखो कितने कार्ड कट गए, कितने ये कट गया। तो आप लोगों से ये है कि लोगों को जागरूक करें कि हमारी सरकार की नीति ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि हरियाणा में इतना विकसित प्रदेश हो जाए, इतने आर्थिक हालात लोगों की सुधर जाए कि कोई भी पीले कार्ड वाला ना हो, कोई भी ऐसा परिवार ना हो 1,80,000 से नीचे की आमदनी का हो। हम तो चाहते हैं कि हर जगह सक्षम हो, सब आर्थिक रूप से समर्थ हो, तो उस दिशा में नीतियां बनाकर ये काम कर रहे हैं। ना कोई इलाकावाद है, ना कोई क्षेत्रवाद है, ना कोई ये है कि इससे इलाके में ज्यादा काम करना है, इसमें कम करना है, एक नीति बना करके, ना कोई जातिवाद है। अब गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब सवर्ण भी है, SC/BC में भी है, रैकुड़ों में भी है। तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो काम हो रहे हैं ये हमारे देश में अनूठी योजना है। जहां तक विकास की बात है, हमारा जो ग्रामीण किसानों का जिला है, सबसे ज्यादा पानी का, नहरी पानी का काम हमारे जिले में हुआ है, सबसे ज्यादा माइक्रो इरिगेशन का काम हमारे जिले में हुआ है, पॉन्ड अथॉरिटी बनाई है, तालाब नए नए खुदवा रहे हैं, रिचार्जिंग के लिए बड़े बड़े जगह वो कर रहे हैं, और नहरों का बजट तो मैं बताता हूं आपको कि पिछले साल ही 50% बढ़ा दिया था। और हमारी कोशिश यह है कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए उसको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, बागवानी सब्जियों की तरफ जाना पड़ेगा। पिछले 3 साल में दुगना बजट कर दिया हमने बागवानी का, और हमारा टारगेट यही है कि बागवानी का, फिशरी का बजट बढ़े। और किसान की सहायता के लिए प्राकृतिक कृषि की तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं। और भिवानी जिले के लिए तो खास बात मैं बताता हूं कि जो मोदी जी ने दुनिया के अंदर एक वो दिया है, टारगेट दिया है कि मिलेट्स का, मोटे अनाज का, मोटा अनाज का मतलब मोटा नहीं, मोटा अनाज का मतलब बारीक वाला जो अनाज पहले खाते थे हमारे पूर्वज, खासकर बाजरा जिसमें है, सारी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार शुरू किया है, यूनाइटेड नेशंस में इसको पास करा दिया, 2023 है मोटा अनाज का साल माना जाएगा। और इसका पार्लियामेंट में भी आपने देखा होगा कि सारे MP को बाजरे की रोटी खिलाई, हमने भी असेंबली में मोटे अनाज का प्रचार प्रसार के लिए कोशिश की। और इसी तरह से अगर ये रहा, दुनिया की खपत इसकी बढ़ जाएगी, जो बाजरा हमारा 800,000 में बिकता था साल 2300-2200 में बिकने लग गया, और इसी तरह से अगर लगा रहा 2-3 साल में, तो निश्चित तौर पर जो है बाजरा 5,000 में बिकेगा और भिवानी जिला और राजस्थान का इलाका है उसका फायदा होगा। तो ये एक डायरेक्शन देनी होती है सरकार को, नीति बना के भी इधर चलना शुरू हो जाओ। तो हमारी कोशिश ये है कि किसान जो है सक्षम हो, समर्थ हो। और हमारे जिले में पानी की बहुत कमी है, SYL के लिए भी हरियाणा सरकार आपने देखा ही है पूरी कोशिश करती रहती है। अब SYL का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े जोर शोर से उस पर लड़ रहे हैं, लेकिन SYL जब तक नहीं आती है तो भी मुख्यमंत्री जी ने समझौते किए हिमाचल से, उत्तराखंड से, किसाऊ डैम है, रेणुका डैम है, अगर वो डैम बन जाएंगे तो भी जो काफी कम से कम 12-14 फीसद पानी हरियाणा का बन जाएगा। और
डब्ल्यूजेसी की जो है फेस्टिवल उठाने का काम किया है, उसके जो चैनल है हमारी, आने वाले बरसात के मौसम में हमारे जिले में ज्यादा पानी आएगा। जुई कनाल में काम चल रहा है, लोहारू कनाल में काम चल रहा है, और जितने भी तुसाम हल्के के अंदर है बहुत सारी रिमॉडलिंग नहरों का चल रहा है, उधर शिवाड़ी कनाल में पानी ज्यादा चलता है। मैं हर रोज मॉनिटरिंग करता रहता हूँ पानी के मामले में, और पिछले 2 साल में हर किसान मानता है कि नहरों का पानी ज्यादा है, और किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए भी उसको नहरी पानी देते हैं, खाद बीज की व्यवस्था करते हैं, मंडी अच्छी चला दे, भावांतर भरपाई का पैसा देते हैं, और जोखिम जो किसान का दूर करने के लिए भिवानी जिले को मैं कहता हूं कि इतना मुआवजा मिला है पूरे, चाहे तुसाम हो या गुवाड़ीखेड़ा हो या लोहारू हो, जो पहले कभी नहीं मिला। कंपनियां यहां ऐसी हालत होगी कि भिवानी जिले में टेंडर डालने से मना कर देती है, भिवानी ना होने वहां टेंडर डाल, यहां से जो पैसा जाता है कंपनियों को उससे दुगना तिगना उनको वापिस देके जाना पड़ता है। तो इसका एक तरह से है कि लोगों ने हमें विधायक चुना या चौकीदार की ड्यूटी दी है, उसको हम अपने ध्यान से करते हैं, सब मिलजुल करके कि मॉनिटरिंग करें, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि जनता ने जो हमें जिम्मेदारी दी है जनता की देखभाल के लिए उसका ध्यान रखें, और भाई सारे मिलकर के अपने जिले को नंबर वन जिला बनाएंगे विकास की दृष्टि से, और बहुत सारे काम चल रहे हैं। जगह 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 आप देखो, हर 20 किलोमीटर में कॉलेज होना था, उससे भी ज्यादा छूट दे करके पिछले 3-4 साल में इसलवाड़ में कॉलेज बनाया, सुपुर्द में कॉलेज बनाया, एक कॉलेज इधर और आ रहा है, इसमें वाड़ीखेड़े में नहरों का काम है, सड़कें काम ठीक चल रही है, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है, और अभी हम एक पॉलिसी और लेके आए हैं जो न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी, उसमें भी हम सब्सिडी देंगे, और क्योंकि यहाँ जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की दिक्कत आ गई है, कोई प्राइवेट आदमी भी अगर 20-25 एकड़ में कोई कॉलोनी काटना चाहेगा उसको सरकार तुरंत अप्रूवल भी देगी और उसमें जो है सब्सिडी भी देगी, ताकि जो नए उद्योगपति हैं, उद्योग लगाने वाले लोग हैं, उनको भी दिक्कत ना हो। तो हर तरह से सरकार की नीति ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, सुविधा हो, कोई काम करने वाला है उसको दिक्कत ना हो, तो तरह तरह की स्कीम अप्रूव की है। मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि नए साल में हम सब मिलते ये संकल्प ले कि हमारे जिले को हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ बनाए, विकसित जिला बनाए, सब लोग जो है तरक्की करें, कोई भेदभाव ना हो, और जो आर्थिक रूप से जो दूरी है वो भी पटे, इस दिशा में काम करें। और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जो जिस तरह से काम करते हैं कि पूरे हरियाणा को साथ लेके चलते हैं, पूरे हरियाणा में योजनाएं देते हैं और पूरा नीतियां बना के काम करते हैं, तो बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिले हैं, सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिनकी वजह से दुनिया में हमारा भारत का नाम पूरा जोर शोर से हो रहा है। और ये जो साल है हमें जो अध्यक्षता मिली है भारत को G20 की, जो दुनिया के सबसे विकसित देश है उनका ग्रुप है, जिसमें ये 3/4 इकोनॉमी उनके हाथ में है, और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश है। चाइना भी पीछे रह गया है और हमारी जो GDP इससे भी इंग्लैंड से भी आगे चली गई, और धीरे धीरे अगर इसी गति से भी हम बढ़ते रहे तो आने वाले वक्त में भारत जो है विश्व शक्ति होगा, महाशक्ति होगा। सब लोग को पॉजिटिव रहना चाहिए, युवाओं का प्रदेश है, युवाओं का देश है, हमारा जो भविष्य है उज्ज्वल है। तो आप लोगों को मैं यही नए साल में प्रार्थना करता हूँ कि पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचे, और जो लोग जो भाई नेगेटिविटी जिसमें फैली हुई है उनको भी समझाएं कि मिलजुल करके एक अच्छा काम करने में सहयोग दे। धन्यवाद।